हेलो फ्रेंड, आप सबका फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों, अगर आपका भी फ़ोन हैक करता है, बहुत ज़्यादा हैंग करता है, चाहे आपका फ़ोन नया है या पुराना है, आप परेशान हो गए हैं, आप करते कुछ हैं और फ़ोन अचानक से बंद हो जाता है और काम करना छोड़ देता है, उसका प्रोसेसर गर्म हो जाता है या फ़ोन गर्म होता है, तो दोस्तों आज मैं इसी टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। अगर दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो दोस्तों आप भी अपने फ़ोन को एकदम नए फ़ोन की तरह बना सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में जाके प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। अगर आपका कमेंट अच्छा लगता है तो मैं संडे पिक में आपका भी कमेंट पिक कर लूँगा और उसके ऊपर भी एक वीडियो बना के आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों मैंने अपना फ़ोन ले लिया है। फ़ोन लेने से पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको क्या करना है। आपको अपने फ़ोन की सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों मैं अपने फ़ोन की सेटिंग में चले जाता हूँ। आप यहाँ भी स्क्रीन देख रहे होंगे। आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने फ़ोन की सेटिंग में जाना है। फ़ोन की सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आप फ़ोन की सेटिंग में चले जाएंगे, आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आएंगे और थोड़ा सा आएंगे। आने के बाद दोस्तों आपको एक एक अभी मैं बताऊंगा कौन सी सेटिंग ओपन करनी है। तो आपको एक सेटिंग मिलेगी यहाँ, सॉफ्टवेयर अपडेट सेटिंग मिलती है। सॉफ्टवेयर अपडेट सेटिंग को खोलना है। सॉफ्टवेयर अपडेट सेटिंग को जैसे हम ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद हमें कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है। तो इस तरह का इंटरफेस देखने के बाद दोस्तों यहाँ लिखा है ऑटो डाउनलोड वाईफाई। तो दोस्तों आपको क्या करना है, इसको ऑफ़ कर देना है। दूसरा सॉफ्टवेयर अपडेट ऑटो प्लेयर, इसको भी ऑफ़ कर देना है। ये दोनों सेटिंग को आप ऑफ कर देंगे, यहाँ से बंद कर देंगे। तो दोस्तों होता क्या है कि आप जैसे ही नेट ऑन करते हैं तो कोई भी एप्लीकेशन अपने आप अपडेट नहीं होगी जब तक आप अपडेट उसे करेंगे नहीं, और ना ही आपका फ़ोन गर्म होगा, ना ही आपका फ़ोन बार बार हैंग करेगा। तो दूसरी सेटिंग क्या है, दूसरी सेटिंग मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों आपको क्या करना है, अपने फ़ोन में जाना है। फ़ोन में जाने के बाद ऊपर साइड जहाँ सेटिंग डाटा सेटिंग रहती है वहाँ क्या करना है, अपनी लोकेशन को ऑन करना है। लोकेशन सेटिंग रहेगी, लोकेशन सेटिंग के ऊपर आपको क्या करना है, टच करके रखना है। जैसे ही दोस्तों टच करके आप रखते हैं तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस मिल जाता है देखने के लिए, यहाँ सेटिंग खुलती है। तो दोस्तों यहाँ से भी आपको इन दोनों सेटिंग को ऑफ़ कर देना है, इन दोनों सेटिंग को ऑफ़ कर देना है। आपका फ़ोन बिल्कुल फर्स्ट क्लास हो जाएगा, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अगर इसके बावजूद भी दोस्तों आपका फ़ोन हैक करता है तो आपको क्या करना है, आपको फिर से अपने फ़ोन की सेटिंग में जाना है। फ़ोन की सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों क्या करना है, थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करेंगे और करेंगे, करने के बाद अबाउट सेक्शन में जाना है। अबाउट सेक्शन में जाने के बाद थोड़ा सा और नीचे जाएंगे तो दोस्तों यहाँ सॉफ्टवेयर अपडेट लिख के आ रहा है। आपको क्या करना है, जो आपका बिल्ड नंबर है, अपने बिल्ड नंबर पर 7 बार क्लिक करेंगे, 1 2 3 4 6 7, 7 बार आप उसे टच करेंगे तो दोस्तों आपके पास एक और नई सेटिंग खुल जाएगी। इस नई सेटिंग को खुलने के बाद दोस्तों क्या करना है, इस सेटिंग में सबसे नीचे आना है। सबसे नीचे आने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ से भी इन दोनों सेटिंग को ऑफ़ कर देना है, ऑफ़ कर देना है। ऑफ़ करने के बाद दोस्तों अब आपका फ़ोन एकदम नए की तरह होने वाला है। आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, आपका फ़ोन बिल्कुल भी हैक नहीं करेगा। जैसा आप नया फ़ोन लेके आते हैं बिल्कुल वैसे ही चलने वाला है। अगर दोस्तों इसके बावजूद भी आपका फ़ोन अगर कुछ कर रहा है, हैक कर रहा है या प्रॉब्लम कर रहा है, तो दोस्तों आपको क्या करना है, अपने प्ले स्टोर की सेटिंग में जाना है, प्ले स्टोर को खोलना है। प्ले स्टोर को खोलने के बाद इधर ऊपर 3 डॉट पर जाना है। 3 डॉट पर जाने के बाद यहाँ एक सेटिंग का ऑप्शन मिलता है। सेटिंग के ऑप्शन पर जाने के बाद दोस्तों यहाँ आना है और थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे की ओर आना है। और दोस्तों यहाँ क्या करना है, यहाँ लिखा है नेटवर्क ऑटो अपडेट। यहाँ क्या करना है, नेटवर्क ऑटो अपडेट लिखा है। यहाँ दोस्तों दूसरा
यहाँ क्या करना, यहाँ लिखा है ऑटो अपडेट ऐप्स, तो ऑटो अपडेट ऐप्स लिखा है, तो दोस्तों यहाँ आपको क्या करना है, डू नॉट अपडेट ऐप्स, डू नॉट अपडेट ऐप्स कर देंगे तो दोस्तों आपका फ़ोन जब भी आप नेट खोलते हैं तो दोस्तों अपने आप कोई भी सॉफ्टवेयर या कोई भी एप्लीकेशन अपडेट नहीं होगी, अपडेट नहीं होगी तो दोस्तों आपका फ़ोन भी हैक नहीं करेगा। होता क्या है दोस्तों, हम अपना काम कर रहे होते हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन अपने आप ऑटोमेटिक अपडेट होती रहती हैं, तो दोस्तों हमारे फ़ोन पे क्या होता है, डबल डबल लोड पड़ता है जिसके कारण हमारा फ़ोन हैक करने लगता है। और दोस्तों होता क्या है कि हमारा नेट बहुत जल्दी खर्च हो जाता है, अगर ये सब सेटिंग आप फ़ोन में करके रखते हैं तो दोस्तों आपका नेट जल्दी खर्च होने वाला नहीं है और जल्दी ख़त्म होने वाला नहीं है। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ ऐसे एक और टॉपिक के साथ, जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।